फर्स्ट सेटिंग इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर्स इनटू माइल्स पर आवर। सो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर टोटल किलोमीटर्स होने चाहिए, और उसके बाद आपको मोड बटन को 5 से 10 सेकेंड तक दबा के रखना है। सो अब जो टोटल किलोमीटर्स है वो माइल्स में कन्वर्ट हो चुके। इवन यहाँ पर भी जो जितने भी सेटिंग्स है वो आपको माइल्स में ही डिस्प्ले होंगे। इवन जो आपकी स्पीड है वो भी आपको माइल्स में ही दिखेगी। सो अब इस सेटिंग को दोबारा किलोमीटर्स पर आवर में करने के लिए आपको सेम प्रोसेस करनी है। मोड बटन को आपको 5 से 10 सेकेंड तक दबा के रखना है। सो वापस सब किलोमीटर्स पर आवर में सब सेट हो। सो RPM 1 को सेट करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको ट्रिप 2 पर जाना है। ट्रिप 2 पर जाने के बाद आपको मोड बटन को 5 से 10 सेकंड तक दबा के रखना है। सो हियर यू कैन सी RPM 1 इज सेट एट 8950 जो मैंने अभी सेट किया है। उसको डिक्रीज करने के लिए आपको सेट बटन को दबाना है, और इंक्रीज करने के लिए आपको मोड बटन को दबाना है। बेसिकली जब आप 8950 RPM पे होंगे तब जो शिफ्ट लाइट है वो फ्लैश होगी। सो बेसिकली ये आपको बताएगा कि आपको अभी गियर चेंज करने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट वी हैव RPM 2 सेटिंग्स। सेम प्रोसेस है, ट्रिप 2 पर आपको जाना रहेगा। उसके बाद आपको सेट बटन को 5 से 10 सेकंड तक दबा के रखना है। सो अब आप देख सकते हो RPM 2 12500 पे जो मैंने सेट किया है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए सेम प्रोसेस है। मोड से आप इंक्रीज कर सकते हो और सेट बटन से आप डिक्रीज कर सकते हो। सो बेसिकली आप 12500 RPM पर होंगे तब ये जो शिफ्ट RPM लाइट है वो कंटिन्यूस रेड ब्लिंक होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका गियर है वो आप मैक्सिमम RPM पर यूज़ कर रहे हो। सो नेक्स्ट वी हैव हाउ यू कैन चेंज टाइम इन KTM बाइक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको टोटल किलोमीटर्स डिस्प्ले हो रहे हो, और उसके बाद मोड और सेट दोनों को एक साथ 5 सेकंड तक दबा के रखना है। सो अब आप देख सकते हो कि ये जो टाइम है वो फ्लैश हो रहा है। सो मोड बटन से आप जो आवर्स है उसको चेंज कर सकते हो, और जो सेट बटन है उससे आप मिनट्स चेंज कर सकते हो। और जब आप सेट कर लो एक बार, उसके बाद मोड और सेट बटन को वापस एक साथ दबाना है। सो उस तरह से आप टाइम सेट कर पाओ। So that's all from my side. I hope you guys enjoyed this video. If you really like this video, please hit the subscribe button. It will motivate me to do more work for you guys. See you in the next video.